हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक गुजराती स्टाइल बट लहंगा साड़ी। ओके, ये जो स्टाइल है बहुत ही यूनिक है और दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा, तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय द वे, ये जो साड़ी है ये मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट में एक स्पेसिफिक ब्रांड है जिसका नाम है इंडियन यूथ, जहाँ पे ये साड़ी आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी और अच्छे फैब्रिक के साथ। तो प्लीज़ आप मैं जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप वहीं से लेना, अदरवाइज़ आपको जो फैब्रिक है वो बेकार वाला मिल सकता है। बट जो मैं आपको साड़ी दिखा रही हूँ ना, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और जैसा इसमें दिखाया है गया है बिल्कुल उसी तरीके से है, गुजराती लुक वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने पेटीकोट पे कैन पहन लिया है। पेटीकोट का जो नॉट है, नाड़ा है, वो आपको फ्रंट में बांधना होगा, ओके, और थोड़ा ऊपर रखना होगा। अब ईजिली तरीके से राइट हैंड साइड से साड़ी के फर्स्ट पार्ट को टक करना शुरू करेंगे और फिर एक सर्कल लेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आपका कैन है वो कवर होना चाहिए, जी हाँ। अब इसके बाद बैक साइड साड़ी के फैब्रिक को लेके जाएं और एक मेजरमेंट ले लें। मेजरमेंट लेने के बाद दो से तीन आपको प्लीट्स बनानी होगी, ओके। अगर आप प्लीट्स नहीं बनाएंगे तो ये आपका जो फैब्रिक है साड़ी का वो कैन को कवर नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको प्लीट्स बनानी ही बनानी है, ओके। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पेटीकोट है वो कैन से थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से साड़ी की फैब्रिक को पेटीकोट में टक कर सको। अब ये देखिए, मैंने अपना जो कैन है बैक साइड से भी कवर कर लिया है और साइड से भी मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी साड़ी है वो फ्लोर टच होनी चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए। अब मैंने देखिए साइड से साड़ी के फैब्रिक को टक कर लिया है और प्लस में फ्रंट से भी किया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसका मैंने एक छोटा सा प्लीट बनाया और बैक साइड में टक कर लिया। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका फैब्रिक साइड से बचेगा ही बचेगा, तो उसे आप इस तरीके से एक छोटी सी प्लीट बना के और बैक साइड टक कर दें। अब फ्रंट आती है, फ्रंट की बारी आती है, तो आपको बनानी है प्लीट्स जैसे मैं बना रही हूँ, बिल्कुल आपको वैसी ही प्लीट्स बनानी है। यहाँ पर आपको तीन से चार प्लीट ही बनेंगी, ठीक है। और हाँ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जो प्लीट्स है ना वो छोटी छोटी बनानी है, बड़ी बड़ी प्लीट्स नहीं बनानी है, अदरवाइज ज़्यादा प्लीट्स नहीं बन पाएंगी और आपको घेरा भी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो आपको ये ध्यान। सो प्लीट्स बन चुकी हैं और इसे मैं अपने पेटीकोट में टक कर दे रही हूँ, ठीक है। कैन की वजह से नीचे की तरफ आपकी साड़ी के फैब्रिक को एक घेरा मिल जाता है। अब ये देखिए, मैंने पहली जो प्लीट थी उसको निकाल के और बैक साइड से ट्विस्ट करते हुए और फिर फ्रंट में टक कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इससे आपके फ्रंट के जो साड़ी का फैब्रिक है ना उसे एक और फ्लेयर मिल जाता है और बहुत प्यारा लगता है। अब हम आते हैं पल्ले की तरफ। तो पल्ले के लिए आपको जितना चौड़ा प्लीट रखना है आप रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। और यहाँ पर मैं शोल्डर की प्लीट्स बनाना शुरू कर रही हूँ। एक बार मैंने शेक कर लिया है, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ मैंने रख के और शेक करते हुए सारी की सारी प्लीट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि मैंने जो प्लीट्स की जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी रख दी, तो ये चीज़ आप मत करना। हो सके तो थोड़ी पतली ही प्लीट की चौड़ाई रखना, साइड में आपको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बैक साइड से आपको देखना है कि आपका कैन कवर हो रहा है कि नहीं, और ताकि आपका कैन भी कवर हो जाए प्लस में आपकी साड़ी का बॉर्डर भी साइड से प्रॉपर दिखाई दे, तो इसके लिए हल्की से अगर आपको प्लीट निकालनी भी पड़े ना कमर वाली प्लीट में से, तो निकाल देना। टेंशन मत लेना कि प्लीट्स नहीं दिखेंगी या प्रॉपर नहीं दिखाई देगी ये चीज़ का। अब हम आते हैं शोल्डर प्लीट पर। शोल्डर प्लीट्स को मैंने अरेंज कर लिया है और एक बार इसे प्रॉपर सेट कर रही हूँ। जब मैं इसे सेट कर लूँगी ना, तो फिर इसे मैं अपनी शोल्डर पे रखूँगी।
तो लीजिए, मैंने शोल्डर पे इसे रख लिया है और बहुत ज़्यादा खींचा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा शोल्डर प्लीट को फ्रंट की तरफ से ज़्यादा लंबा रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, अपनी जो शोल्डर प्लीट्स हैं उन्हें एक बार अरेंज कर लें और फिर एक बार आपको थोड़ा सा इसमें ना आपको शोल्डर प्लीट्स का जो लेंथ है ना वो थोड़ा छोटा ही रखना है, ठीक है। तो यस, ये देखिए ऐसा लुक आएगा। बैक साइड से मेरी जो बॉर्डर है ना वो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मैं अकेले पहन रही थी, तो मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था और मुझे मिरर में भी इतना दिखाई नहीं दिया। बट जब आप पहनोगे तो आप किसी की हेल्प ज़रूर ले लेना। अब मैंने शोल्डर प्लीट्स को अरेंज कर लिया है और अब मैं इसे ब्लाउज़ के साथ पिन से सिक्योर कर दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक बड़ी सी पिन का, सेफ्टी पिन का। तो लीजिए, पिन से सिक्योर हो गया है। अब हम फ्रंट की तरफ से जो ये प्लीट्स जा रही है ना उन्हें फैलाएंगे, तो जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी बिल्कुल वैसे करना है एकदम। और अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ब्लाउज़ के साथ आपको जहाँ मैंने अपना हाथ रखा हुआ ना लेफ़्ट हैंड, वहीं पर आपको सेफ्टी पिन लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप छोटी पिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेफ्टी पिन पिक करके और फिर इसे पिन के साथ सिक्योर कर रही हूँ ब्लाउज़ के साथ, ठीक है। तो लीजिए, पिन के साथ सिक्योर हो गया है। और अब ताकि फ्रंट की प्लीट एज इट इज़ दिखाई दे जैसे कि हमने बनाई है, तो उसके लिए एक ट्रिक है जिसका आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताती हूँ। जहाँ जहाँ प्लीट्स लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ सेट हो रही हैं, बिल्कुल आपको वही फैब्रिक पकड़ के और पिन से सिक्योर कर देना। मैंने सारी की सारी प्लीट्स को इसी तरीके से सिक्योर कर दिया है। और बाय द वे आपको एक बात बताऊँ, बॉलीवुड मूवी हो या सीरियल हो, वहाँ पर आप देखते हो ना हीरोइन के या फिर जो भी एक्ट्रेसेस वगैरह काम कर रही होती हैं उनकी सेफ जो फ्रंट की जो प्लीट्स होती हैं एज इट इज़ दिखाई देती हैं। वो इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं और इसी से उनकी जो प्लीट्स है वो एज इट इज़ दिखाई देती है और वो बिल्कुल भी अनइवन या ख़राब लुक नहीं देती है। पल्ले के कॉर्नर वाले पार्ट को इस तरीके से हम सेफ्टी पिन के साथ पीछे की तरफ सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए, ये है लुक और ये है मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कमर पे मैंने कमरबंद पहन ली है, पतली वाली कमरबंद का यूज़ किया है। और लीजिए, लग रहा है ना गुजराती स्टाइल या फिर राजस्थानी स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट का मुझे हमेशा वेट रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा चैनल आपने फर्स्ट टाइम देखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई ड्रिपिंग वीडियो के साथ। बैक साइड से भी देख लो कितना प्यारा लग रहा है यार, वाकई में बहुत बहुत प्यारा लग रहा है ये लुक। तो आई होप आप लोग ज़रूर ट्राई करोगे। और हाँ, अगर आप ट्राई करोगे ना तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM ज़रूर करना ताकि मैं अपनी स्टोरी पर उसे लगा सकूँ। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।